हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आलू टिक्की चाट कैसे बनाते हैं। आलू टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आलू, जिसे कि मैंने उबालकर छील लिया है। साथ ही साथ हमें चाहिए होगा कॉर्न फ्लावर या फिर अरारोट और नमक। साथ ही साथ में हमें कुछ मसाले चाहिए होंगे, जैसे भुना हुआ जीरा पाउडर, भुनी हुई धनिया का पाउडर, या फिर आप नॉर्मल धनिया पाउडर भी ले सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, इमली की मीठी चटनी और दही। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगा बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, हरी धनिया पत्ती और आलू के लच्छे या फिर सेव। सबसे पहले आलू टिक्की हम बना लेते हैं। उसके लिए आलूओं को हम कद्दूकस करेंगे या ग्रेट करेंगे। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 4 मीडियम साइज के आलूओं के लिए आपको 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लगेगा, या फिर कप से नापें तो 1/4 कप कॉर्नफ्लावर चाहिए होगा। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और आलू, कॉर्नफ्लावर और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका एक डो जैसा बना लेंगे। अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अब हम टिक्कियां बनाएंगे। आप टिक्कियों का साइज अपने अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आलूओं को अच्छे से गोल करके हम हल्का सा दबा देंगे और टिक्की का आकार देंगे। हमारी टिक्कियां बन चुकी हैं। अब हम इन्हें सेक लेते हैं। एक पैन में हम ऑयल लेंगे या फिर आप घी का यूज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर टिक्कियों को शैलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम टिक्कियों को गोल्डन होने तक सेकेंगे। बीच बीच में हम इन्हें पलटते रहेंगे। हमारी आलू टिक्की अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, एकदम करारी हो चुकी है। आप इसे और करारा करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ी और देर तक भी सेक सकते हैं। अब हम टिक्कियों की चाट बनाएंगे। टिक्कियों पर हम दही डालेंगे। दही को मैंने हाथ से ही अच्छे से फेंट लिया था। अगर आपका दही बहुत खट्टा है तो आप उसमें हल्की सी चीनी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें मीठी इमली की चटनी डालेंगे। अब हम इसमें ऊपर से अपने मसाले डालेंगे, जैसे काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब हम ऊपर से बारीक कटे हुए प्याज, अदरक, हरी धनिया और आलू के लच्छे डालेंगे। आलू के लच्छे ना होने पर आप बारीक सेव भी डाल सकती हैं। लीजिए, हमारी आलू टिक्की चाट बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। इस टिक्की को बनाकर खाइए, आपको बाजार वाला स्वाद एकदम घर पर ही मिलेगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।